मनुष्य बनने के बाद भी हमें नीच योनि में जाना पड़ा। अपना उद्धार करो, स्वयं को उठाओ। हम लोगों की यही स्थिति है। जो मानव जीवन जहाँ भगवत प्राप्ति सुलभ थी, हो सकती थी, वहीं हम लोगों को खुजली आ जाती है। ये सांसारिक प्रपंच, संसार, ये खुजली है। सत्संग में जा रहे हैं, अब कोई जरूरी मीटिंग आ गई, नहीं जा रहे हैं, अब कोई व्यापार का अच्छा समय आ गया, बिजनेस का अच्छा समय आ गया, नहीं जा सकते, नहीं ठाकुर के पास आ सकते, नहीं ब्रजभूमि में जा सकते। ऊपर से दोष लगाते हैं, ईश्वर दोष लगाए कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, मिथ्या दोष लगाए। तो ये जीव का स्वभाव है, कहीं काल को दोष देगा, कहीं जन्म को दोष देगा, कहीं ईश्वर को दोष देगा, जबकि सब दोष हमारा ही है। रलक जी कह रहे हैं, एवं स्वकर्म पतितम, मनुष्य अपने ही कर्म से गिरता है, अपने ही कर्म से दुख पाता है, उसे कोई दुख देने वाला नहीं है। कहां गिरता है? भव वैतरण्यम, इस भव वैतरणी में गिरता है, जहां से निकलना बहुत कठिन है। अब स्वामी राम तीर्थ थे, जिस समय इनका विवाह होने जा रहा था, तो रात्रि का समय था, भावर डालने जा रहे थे, तो इनके जो पुरोहित था उसने इनको सावधान किया, सावधान हो जाइए, अब आपको फेरे लेने हैं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि ये पंडित मुझे सावधान कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं 84 के फेरे लेने वाला हूँ, 84 लाख लेने हूँ। उसने कहा अभी भी सावधान कर रहा है, इसका मतलब अभी चांस है, अभी मैं छूट सकता हूँ। तो स्वामी रामतीर्थ बोले कि क्रिया के लिए जाना है, कान पे जनेऊ चढ़ाया, यज्ञ पे भी मुझे शौच के लिए जाना है, तो उसके लिए कौन रोके। गए जंगल में बाहर, अब वो तो एक बहाना मात्र था, तो ऐसे भागे कि फिर सदा सदा के लिए सावधान हो गए। अब सब ढूंढ रहे हैं, पूरी विवाह की तैयारियां हैं, वधु खड़ी है, विवाह के फेरे की तैयारी है, कहाँ गए। रामतीर्थ वो तो मिले, वो तो भाग गए वहां से जंगल पार करते हुए। तो ऐसे सावधान हुए कि सदा सदा के लिए अपने को संभाल लिया। स्वकर्म पतितम, प्रहलाद जी ने जो कहा वो दिखाई घटित होता है, वो दिखाई पड़ता है कि हम स्वयं अपने कर्म से गिरते हैं, हमें कोई गिराता नहीं है, हमारे दुख को देने वाला कोई और नहीं है।